हेलो बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लिखेंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं जैसे इसलिए और या परंतु फिर तो किंतु इत्यादि उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, जैसे इसलिए और या परंतु फिर तो किंतु इत्यादि, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के उदाहरण, बस आई और चली गई परंतु मैं नहीं बैठ सका। बस आई और चली गई परंतु नहीं बैठ सका। वह व्यक्ति बूढ़ा है, अतः उसे पहले जाने दो। ऐसा शब्द जिनमें परंतु, उसे, फिर, किंतु आदि शब्द आते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं।